डॉक्टर से 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने चिकित्सक से 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले बदमाश को मुठभेड़ के दौरान उकरौड़ा पुलिया के पास एक्सप्रेस वे सर्विस लेन के पास से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के अनुसार शहर के मोहल्ला गुलामी का पूरा निवासी चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय रामसूरत यादव ने स्थानीय थाने में तहरीर दिया कि 9 अक्टूबर को प्रातः एक अज्ञात नंबर से फोन करके 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। दोबारा 10 अक्टूबर को फोन आया और तीसरी बार 11 अक्टूबर को 40 लाख की रंगदारी देने की बात की गई तथा पैसा न देने पर जान से मारने की उसे धमकी दी गई। पुलिस ने इस तहरीर पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज करके विवेचना शुरू की। शनिवार को थाना प्रभारी वाली शशि मौली पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि डॉक्टर संजय यादव को रंगदारी मांगने वाला आरोपी उगरौड़ा की तरफ से सर्विस लेन पकड़कर बनकट की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने सर्विलांस लेन उगरौड़ा पुलिस पर घेराबंदी करके सामने से आ रही मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास करने पर मोटरसाइकिल सवार पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दिया। पुलिस द्वारा जवाबी आत्मरक्षार्थ कार्रवाई की गई जिसमें अपराधी के दाहिने पैर में गोली लगी जिससे वो घायल होकर गिर गया, जिसकी पहचान अम्मार उर्फ निजात पुत्र सुभान अहमद निवासी बनकट थाना मुबारकपुर के रूप में हुई। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी अम्मार उर्फ निजात ने बताया कि मेरे पिता सुभान अहमद पूर्व में डॉक्टर संजय यादव के घर पर फर्नीचर बनाने का काम करते थे और ग्राम बनकट में डॉक्टर संजय कुमार यादव के फार्म हाउस की बाउंड्री निर्माण में भी काम किए थे। पिता के कार्य करने के कारण ही आरोपी अम्मार उर्फ निजात डॉक्टर संजय कुमार यादव से परिचित हो गया था तथा उनके फार्म हाउस और घर भी जाता था। उनकी संपत्ति देखकर मैंने सोचा कि इनसे फोन करके डरा धमकाकर पैसे की मांग करने पर कुछ पैसा मिल जाएगा, इसलिए मैंने घटना की। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सब इंस्पेक्टर जाफर खान, अखिलेश पांडे, कांस्टेबल धीरज, रणवीर यादव, अंकित कुमार, अंकुर आदि शामिल रहे। वाली क्षेत्र में उमर उर्फ निजात नाम के अपराधी जो बनकट क्षेत्र का रहने वाला है, उकरौड़ा पुलिया के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ इसकी हुई है। वह इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इस अपराधी के द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र के डॉक्टर से 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और न देने पर इसने जान से मारने की धमकी दी थी। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 584/23 धारा 386, 504, 506 IPC का कायम किया था। पूछताछ में यह पता लगा है कि इस अपराधी के पिता डॉक्टर के यहां पर फर्नीचर का काम करते थे और लालच में आके इस अपराधी के द्वारा ये कृत्य किया गया है। शीघ्र ही इस आदमी को रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा और 10 दिन के भीतर चार्जशीट न्यायालय प्रेषित करी जाएगी।